तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो गाइस, मैं बहुत लेट हूँ भाई, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा व्लॉगिंग के, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, ठीक है। और आज भाई अपने चैनल पे NS125 फुल सिस्टम ऑस्टिन रेसिंग के साथ, जो कि यहाँ पर लगा है भाई एकदम नीचे एप्रिलिया की तरह भाई, ठीक है। ये रहा भाई ऑस्टिन रेसिंग, तो भाई ये फुल सिस्टम है, ठीक है, वेल्डिंग हुआ है इसमें, क्योंकि इसका बैंड पाइप तो मिल नहीं रहा था भयंकर, तो वेल्डिंग ही हुआ है भाई। शायद से मिट्टी चिपक गई है तो पता नहीं चल रहा, ओनर से पूछेंगे अपनी, स्वप्निल भाई की गाड़ी आप लोगों को तो पता ही है। तो भाई ये कुछ अपनी NS125 जो कि भाई ड्यूक 200 के हैंडल बार के साथ और ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट के साथ, ठीक है। और इसका आवाज़ इतना मस्त है भाई, इतना बेस है इसके आवाज़ में भयंकर। जो BMW थी भाई वो तो भाई बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन भाई इतना मस्त आवाज़ कर रही थी गाड़ी भयंकर, वो बहुत पसंद आया भाई, ठीक है। मतलब इरिटेटिंग साउंड नहीं है, सुनो एक बार आप। अरे यार न्यूट्रल नहीं है गाड़ी भाई, क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। सुनो सुनो भाई, ऐसा आवाज़ है भाई गाड़ी का एकदम, मतलब बेस, ठीक है, मतलब इतना बेस है भाई इसमें, तो मज़ा आ रहा भाई इस गाड़ी को चलाने में, ठीक है। बस पावर की कमी महसूस होती है, ठीक है, एग्जॉस्ट मारने के बाद थोड़ी सी ना मिसिंग करती है गाड़ी, ठीक है। लेकिन भाई साउंड यार, ठीक है, फील ही आएगा भाई, ऐसा लगेगा नहीं 125 चल रहे। तो अभी भाई अपना रनिंग कंडीशन में इसका आवाज़ सुनो भाई, राइड मारते दोस्त लोग भाई सामने खड़े, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भगाएंगे, लेकिन ये भगती नहीं है भाई, ठीक है। बेस है भाई इस गाड़ी में, ठीक है, छपरियों की तरह चिल्ला रही नहीं गाड़ी भयंकर, ठीक है। लास्ट लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए थे भाई BMW के लिए, लेकिन भाई देखो वो बंदा हमारे ग्रुप का नहीं है, बस वो अपना दोस्त है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए कि भाई BMW कितना चिल्ला रही है, तो भाई मैंने दिखा दिया था, ठीक है। ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं था कि भाई ऐसा आप लोग करो। तो भाई इसका साउंड इतना बेस है, मतलब इतना स्मूथ है भाई इसका साउंड, भाई पर्सनली मेरी ड्यूक भी ऐसा साउंड नहीं करती है भाई, मुझे तो भाई मतलब ना क्या ही बोले आप। तो यार तो एक बार सुनो भाई, क्या साउंड है भाई इसका, ठीक है। और ये अपनी जिया भाई पीछे की साइड, अरे अरे मुखिया के कुतरा 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 अंदा लोकर। तो भाई वो डॉग आया था रास्ते पे, भयंकर ट्रक जाती उसके ऊपर से। तो भाई इसका सीन मुझे पता नहीं, अपनी स्वप्निल भाई से पूछेंगे अपन, ठीक है। लेकिन भाई साउंड इसको कोई छुपरी बोल ही नहीं सकता भाई, वहाँ पे पुलिस भी खड़े थे, मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, लेकिन भाई वो भी बोल रहे थे मस्त साउंड है भाई, ठीक है भाई, अच्छा खासा बेस दी रही गाड़ी, ठीक है। अपनी जिया भी नहीं देती, और भाई मैंने इसका ना ये निकल रखा है अभी, और टेल भी निकल रखी भाई, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो, और बार बार एक साइड का नट गिर जा रहा था भयंकर। तो बस यार भाई आज का ब्लॉग इसी NS पे था, ठीक है। तो यार अभी स्वप्निल आएगा तो उससे पूछते भाई फुल सिस्टम लगवाया, वेल्डिंग किया है, क्या सीन किया है, ठीक है। लेकिन भाई साउंड मतलब, और एक बार सुनो भाई आप लोग, आइडल में ऐसा है गाइस साउंड, सुनो एकदम मतलब मस्त। तो गाइस यार ना सीन ऐसा है कि 5,500 RPM के बाद ये बहुत अच्छा खासा बेस दे रही है अपन को, ठीक है। तो भाई मस्त है,
पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद आया भाई मुझे बेस। ठीक है यार, 125 में इतना बेस दे रही है भाई, 200 में क्या प्यारा साउंड देती है भाई यार, देती होगी गाइस। ठीक है, मैंने कभी एनएस 200 में एग्जॉस्ट लगाते हुए नहीं देखा भाई। ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं है भाई। ओ भाई उड़ा देता भाई चच्चा। पर्सनली यार मस्त अच्छा ही लग रहा है भाई। देखो उसने भी इतनी प्यारी जगह भाई उसको बिठाया है ना, एकदम नीचे की साइड देखो कि भाई आपने एप्रिलिया में ऐसा होता है भाई, और बाइकों में भी होगा लेकिन भाई मुझे एप्रिलिया का एग्जॉस्ट पसंद है, उसी टाइप का इंस्टॉल किया है इसने, एकदम नीचे वेल्डिंग मारा है उस पर। तो भाई यार मैंने बोला था ना वेल्डिंग ही है भाई वो, लेकिन दिख नहीं रहा कि वेल्डिंग है। ठीक है, और कितना खर्चा आया भाई? 400 रुपये। तो भाई बिटने का 400 रुपया? पाइप पन नहीं लगा, और उसमें उसमें पाइप भी इंक्लूड था क्या? तो भाई पाइप इंक्लूड करके 400 रुपये इंस्टॉलेशन का, मतलब 2400 1500 नीचे। तो भाई यार इतना प्यारा साउंड कर रही है भाई यार। देखो भाई लास्ट व्लॉग में आपने तो बहुत मतलब हेट दिया था भाई BMW को कि भाई छपरी बना दिया ये वो, लेकिन भाई देखो सीन, आई नो भाई उसका साउंड छपरियों की तरह ही था, मैंने ना मतलब क्या ही बोले, लेकिन भाई इसका साउंड ना बहुत ज़्यादा बेस है, और ये चिल्लाती भी नहीं है, और एकदम मतलब फील आता है भाई इसको चलाने से, लेकिन भाई मिसिंग मारती है। ठीक है, इंजन छोटा है इसका तो मिसिंग मारती बहुत ज़्यादा। तो भाई ये बोल रहा पेट्रोल नहीं, ये बोल रहा है भाई। तो भाई बस कुछ नहीं, मतलब यार भाई प्यारा साउंड है भाई। ठीक है, इसको आप हेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चिल्लाती नहीं है, नॉर्मली बेस दे रही है। तो यार देखो ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट 2000-2500 2800 रुपये तक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और बिटने का 400 आपके यहाँ पे कितने चार्ज करते उस पे डिपेंड करता है गाइस। ठीक है, तो ऐसा प्यारा साउंड आपकी गाड़ी देने लगी कि भाई मुझे बहुत पसंद आया यार ये। और बैक फायर भी मार रही भाई, तो यार इतना मस्त लग रही ना, और हाइड है भाई एग्जॉस्ट पूरा तरीके से हाइड है। ठीक है, तो कुछ भाई अपनी NS125 जो कि भाई अभी थोड़ी कीचड़ में लिपटी हुई सी है थोड़ी बहुत, लेकिन भाई इसका साउंड और भाई बहुत प्यारी चलती है यार, स्मूथ है गाड़ी। ठीक है, तो यार देखो खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है एकदम, मज़ा आ गया भाई इसको चला के। और अपनी गाड़ी तो है भाई स्टॉक एग्जॉस्ट का डिबी किलर रिमूव है, वो भी मस्त साउंड करती है, और वो भी बहुत गंदी हो रखी है भाई। तो बारिश का मौसम है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, अभी आज वॉश करूंगा कल गंदी हो जाएगी, लेकिन इसलिए मैं वॉश नहीं कर रहा उसको। आई एम सॉरी बाबू, इसका भी वही सीन है। तो बस यार भाई देखो आप लोगों को इंस्टॉल करना है, जो कोई मेरे सिटी से है देख रहा है भाई तो DM करना, हम लोग आपको इसका ये दे देंगे, क्या बोलते हैं कहाँ से इंस्टॉल किया इन्फॉर्मेशन दे देंगे 400 रुपये में। ठीक है, तो बस यार भाई चैनल को सपोर्ट करना, और भाई मैं बहुत लेट व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि देखो भाई मेरे पास ना टाइम नहीं है, और मोबाइल से शूट करना कोई आसान बात है नहीं। ठीक है, तो परेशानी होती है इसलिए भाई थोड़ा सा लेट हो रहा है, और देखो मैं ना 15 दिन से तो घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ, आज आया हूँ भाई इनके साथ, बस कॉलेज जाता हूँ घर आता हूँ बस और सो जाता हूँ भयंकर। तो भाई अभी ट्राई करेंगे रेगुलर व्लॉग्स पोस्ट करने के। ठीक है, तो बस यार अपने भाई को सपोर्ट करना यार गाइस। ठीक है ना यार, मतलब कर रहे हो आप लोग सपोर्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई ऐसे ही अपने चैनल पे भाई मॉडिफिकेशन की वीडियो आती रहेगी, और इस वीडियो में कमेंट करके बता देना कि जिया पे अंडर सीट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करूँ या नहीं। ठीक है, वो अपनी अंडर बेली निकाल के, सॉरी भाई अंडर बेली नहीं, हो क्या कैथोलिक कन्वर्टर निकाल के अंडर सीट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करूँ या नहीं मुझे कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, आप लोग बोलेंगे करो तो मैं करूँगा, आप लोग बोलेंगे नहीं करो तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे ना भाई उसके हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, तो बस भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई, लव यू ऑल, तो और राइड सेफ करना भाई लोग। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू और लव यू ऑल।